जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने गिनती दे मंतर ने अगरा दे जंतर ने गिनती दे मंतर ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदला जमाना हाँ हाँ बदला जमाना रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते ठीक है इंस्पेक्टर साहब इस खर्चे का असी एस्टीमेट बना के आपस में वंड लवांगे ठीक है नौकरा तो बिना अपना किथे गुजारा है असी भांडे मान सकते हैं किथे नहीं मैं जिथे तक समझता हूं तुसी छेती तो छेती काम शुरू करवा दो तुसी फिक्र ना करो इंस्पेक्टर साहब इस घटना तो सानू ते सबक मिल गया ते उन्हें नु सुरक्षित चा लिया ठीक है जी अच्छा जी चंगा ठीक है जिन्नी प्रॉब्लम बताओ उन्नी बच जाएगी कदों तक बन जाएगा बस हम काम शुरू कर ही देना है पर ऐ जिया इट्टा ने इत्थे क्यों सुटा लिया साडा जिहड़ा सुलभ शौचालय बनेगा वो तो बस्ती तो परे करके है ना कोई नहीं चौथे तक ले जावांगे दीदी जिहड़ा और सामान लिखवाया सी ओदी लिस्ट चेक कर लो हां देख लेना सारा सामान टाइम नाल पहुंच जाए शरला भैन जी नमस्कार नमस्कार और सब ठीक ते है ना सब ठीक ठाक ते है लेकिन मैं तन्नू एक गल कहना ही भूल गई कोई गल नहीं जे भूल गए ते हुण दस दियो मैं सोच रही थी जो सुलभ शौचालय अभी बना रहे हैं ये बस्ती वाले आप ही क्यों ना बना लें क्योंकि आप ही बेलदार मिस्त्री ते प्लंबर हैं ऐ ते तुसी मैडम बत्रा दी गल खोली है मैं उन्हां नाल गल कीती ते ओ भी आई कहंदी सी मिसेस बत्रा दा कहना बिल्कुल ठीक है जी बल्कि मैं ते कहंदी हां जेकर साडे सारे लोकी दिन रात काम करन ते इस काम नु छेती छेती पूरा कर सकदे हैं लेकिन रात नु काम करन लई ते फिर लाइट दा बंदोबस्त करना पएगा नो प्रॉब्लम ऐ तुसी मेरे ते छड़ दियो तुहाडे काम विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस फिर की गल है असि कल तो काम शुरू कर देने हैं जी कल असि नींद रखवाने हैं मालकन जी नु सद के ऐ ते बड़े ही चंगा है जी ते शरला पेंजे होना से चल दिया नमस्कार जी ऐ ते बड़े ही चंगा हो जे भाई की राजीनामा होया मजा आ गया मन गए सरला दीदी नु कोठियां वाले नु तल्ले ला के मन्निया हां देख्या हुन सरला दीदी साडा किन्ना फायदा सोचदी है ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ पावित्रा पावित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वाया स्मरेत पुनरीकांक्षं सवाह्याभ्यांतरा शुचिः ॐ स्वस्तिनः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम अभिवधनामि रक्षे मा चल मा चल मा चल उदयात। दोनों लोग हाथ लगाइए जल, दोनों लोग लोटी में पकड़िए, जल की धारा गिराइए यहीं पर सीधे। ओम वारुणास्य स्तंभ मनसि वारुणास्य स्कंभ सर्जनीस्ते वारुणास्य रीता साधनासि वारुणास्य रीता साधनमासि वारुणास्य रीता साधनमासीद। ओम वं वरुणाय नमो नमः मध्ये मातृगणास्व्रता कोक्षौ तुषागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवीणा यमुना च महानदी। ओम मंगल कलशाय नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ए तुसा लोका दी हिम्मत ते एकता दी जीत है, ते ए जीत तोड़े सरला दीदी जी दी भी है। क्यों सरला जी? असल विच तुसी अगर जानना चाहते हो तो मैं यही कहांगी कि ए जीत पढ़ाई दी है, उस पढ़ाई दी जिन्हें सारे विच सोचन ते समझन दी मत दित्ती, उस पढ़ाई दी जिन्हें तुहाडे विच धीरज ते विश्वास पैदा किया है। सरला जी एकदम ठीक कह रहे ने, पढ़ाई तो वड्डी कोई नेमत नहीं, कोई दौलत नहीं। चलो हुन कम शुरू करिए। तो दूरियां सन हर साट दिला बेच उमंगा
दूजा पिंड तो बड़ा ही पिछड़ा हो उत्थे तो कोई पढ़ना नहीं चाहता गंदगी भी बहुत है उन्हां लोकां नूं ते सफाई दे बारे कुछ पता ही नहीं लेकिन अजे इस बस्ती विच भी बहुत सारा काम बाकी है इत्थों असीं काम खत्म करके ही नवीं थां ते काम शुरू करांगे ओ यार गंगू सुंदर नूं बुला भुख लगी हुण अच्छा भाई ओ सुंदर मिस्त्री जी ओए की गल आ हाँ मैं क्या रोटी खांदा वेला हो गया हूं आ भी जाओ आना आना यार आना यार चल खा ही ले रोटी भी वाह भाई बल्ले 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 शेरा जवाब नहीं तेरा वाह भाई वाह बल्ले जवाब नहीं तेरा वाह गुरु सच्चे पातशाह हाँ भी गंगू बै भाई बै जा चंगा वाला काम चल रहा सी पर अमलिया ने रंग च पंग पा दिता हुन मन खराब करन दी लोड़ नहीं जे पीन गे ते पुक्तन गे हुन पै गया ना लम्मा लम्मा ते पै गया ते करो पैहा भी लगेगा पता नहीं क्यों नहीं छड़ दिया दोनों भरा पीना बड़ी प्यारी आदत है इन्हां नूं शराब पीन दी श्यामा ओ श्यामा चाह भेजी चंगा लियानी आ यारा मेरे मन च एक बड़ी चंगी गल आई है की भरावा छेती दस जी असीं अपनी मजूरी ना लईए तां उहदे जगह असीं एक पक्का कपड़ा पा लांगे सारे न्याणे भी उत्थे पढ़ेंगे ते होर भी बथेरे काम आ जाएगा ए ते बहुत चंगी गल है अज पता चलिया मैनू के तेरे मां प्यो ने तेरा नाम सुंदर क्यों रखिया मैं क्या बल्लू उठ ओए ओ मैं क्या उठ जा सारा दिन तेरे सोंदे सब कोई समझिया था हैं या चरण दा या सोंदा ओ काम तेरा प्यो करेगा उठ की होया पुत्र सामने मारे कादे लई तुमरे देर ना लुटा थे ऐसे करके ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੂਟ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਯਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਇਤਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੰਗਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਚੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਿੱਲਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ कम छड के आया मेरा साइकिल ते सामान ते उठे ही है आ चल ले के आइए अब बल्लू अब मैं आगे कितने चला गए हैं अब मैं आगे कितने मर गए हैं अब बल्लू आजा पुत्र आजा ए वेखो तोड़े ले लिया है तोड़ा तीजा बेली ना है दा बल्लू नमस्ते चाचा नमस्ते पुत्र अंकल नमस्ते नमस्ते पुत्र नमस्ते अच्छा ते हुण असीं अंकल हो गए हां अज तू तोड़े नाल रवेगा ते जिहड़ा कम सिखाना चाहो सिखाओ ते तू भी एक गल मेरी कन खोल के सुन ले पुत्र मैं तेनू रोज मिलन आवांगा फिकर दी कोई गल नहीं ते दोनों तेरा बड़ा जम के ख्याल रखेंगे ठीक है ते हुन मैं चलना ठीक है पुत्र अच्छा एदे विच उदास होण वाली केड़ी गल है परदेश विच ए सब होंदा ही रहंदा है साडा एक होर दोस्त है जेड़ा ढाबे ते नौकरी करदा है राती उत्थे जावांगे खाना खावांगे ते तेनू मिला दांगे हुन ते अस रामू अपनी बीबी जी को ना पूछ के दस ए मुंडा इत्थे लग सकदा है कि नहीं इत्थे एक मुंडे दी लोड़ है चाहे ता ए कम भी मिल सकदा है वाह मजा आ गया
तुसी भी दो हो जाओगे ते असी दो है गई। तू ही बोली जाएगा तो बल्लू नु भी बोलन देगा। क्यों बल्लू प्यार है? हाँ मैं तो सोच ही नहीं सकता तुसी किन्ने चंगे हो। खाना खा ले फिर दीदी जी नाल तेरी गल करा देंगा। चंगा हुण ते खुश हो के खाना खा ले तेरा कम बन गया है। मैं अपने वादे के मुताबिक एफआईआर वापस लेने आई हूं। सोलो शौचालय बन गया? थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, बन जाएगा। ते पानी दा इंतजाम? वो तो पहले ही हो गया सी। काम वेले पानी दी लोड़ सी ना। इंस्पेक्टर साहब आज मैं सारिया गल्ला तो हट के तुहाडे नाल कुछ होर गल करना चाहनी सा। हुण ते सब कुछ नॉर्मल हो ही गया है। उन्हां नूं भी काम करन वालियां दी ते लोड़ होएगी ते काम करन वालियां नूं काम चाहिदा है। हुण बच्चियां ने तो काम करना नहीं है तो मैं सोचती सा कि इस मुद्दे ते भी खुल के गल हो जाती तो चंगा सी। नहीं वो तो तुहाडी गल ठीक है पर एसपी साहब का तो तबादला हो गया। तदे ते मैं तुहाडे नाल गल कर रही हाँ, तुहानू भी इस केस बारे पूरी जानकारी तो है ही ना। हाँ 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 मैं मिसिज बत्रा नाल गल करांगा। हाँ हाँ एक मिनट तुहाडे नाल गल करना चाह रहा। हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी 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 मैं यो ही चाहनी हाँ। हाँ जी अच्छा जी नमस्ते। वो भी राजी ने ते हुन मैं एफ आई आर वापस लेना चाहनी हाँ। चलो चंगा है जी झंझट निपटिया, बड़ी खुशी की गल। हुन उम्मीद है कि अगे तो ऐदा नहीं होएगा। नौकरी भी तो चलती रहनी चाहिए है जी। तुहाडी सेवा लई 24 घंटे हाजिर हाँ, जब भी साड़ी लोड़ पे तुसी आ सकते। चंगा नमस्ते। अच्छा, जल्दी नमस्कार। दीदी आजकल बस्ती वाले ऐसे बहुत खुश ने, उन्होंने पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना, तो उम्मीद है कि अगे। दीदी जी नमस्ते। अयो है दर्जी का मुंडा। आदाब। आदाब क्यों वे की सी लेना है? कुर्ता पजामा सूट बच्चिया दिया फ्राका सब कुछ सी लेना। मैं दर्जी नाल गल कीती सी, थोड़े दिन ओदे नाल काम कर ले, तेनू इत्थों दे रिवाज और लोकां दी पसंद दा भी पता लग जाएगा, फिर तेनू किश्तां ते मशीन लै देवांगे। तू अपना काम शुरू कर ले ते मशीन दियां किश्तां भी पड़दा रहे, लेकिन हाँ काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी नाल करें फिर कुछ भी कमी नहीं रहेगी। दीदी जी तुहानू जरा जिन्नी भी शिकायत दा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा जी फिर आज शाम नू तुसी मेरे नाल चलना। ठीक है दीदी जी। समझ गया ना? चल। दीदी मुंडा है बहुत समझदार। छोटा जे है काम में छुशार लगदा। मेरी इंस्पेक्टर ते मिसेस बत्रा दोनों नाल गल हो गई है। हुण तुसी सारिया जनिया अपनी अपनी पुरानी कोठी विच काम लई जा सकते हो। अवल ते कोई परेशानी होएगी नहीं, मगर अगर कोई परेशानी होंदी है तो जरूर दसना। मैं 15 दिन लई बाहर जा रही हूँ। जो उन्होंने बदला लैण दी कोशिश की थी फिर डर तो लगता ही है ना दीदी जी। डरन दी बिल्कुल लोड़ नहीं है, वो हुण कुछ नहीं करनगे। जो उन्होंने कुछ करना होंदा ना तो ये सब कुछ नहीं होंदा। तुसी बेझिझक बेतड़क होके उत्थे जाओ। सानू तुहाडे ते पूरा भरोसा है दीदी जी। मेरा दिल तो बहुत सी कि मैं भी इस उद्घाटन विच आउंदी, काम बहुत जरूरी है मैं रुक नहीं सकती, लेकिन फिकर करने की गल नहीं है, मेरे साथी इत्थे ही ने, कोई परेशानी हुई तो तुसी इन्हां नूं दस सकते हो। चंगा जी। राम राम जी। राम राम कहंदे ने जे तुसी इस दुनिया नूं कुछ देना चाहुंदे हो तो प्यार दिओ, मिल वर्तन दियां नजीरा पेश करो, ते इस सुलभ शौचालय इक एहो जेही नजीर है। ये साड़ी सोसाइटी दी भाईचारे दी एक मिसाल है। जे हर थां ते कोठी वाले मजूरां दी बस्तियां विच इस तरह दा शौचालय दा निर्माण करांदे रहन ते बस्तियां विच सफाई भी रहेगी ते बीमारियां तो काबू भी पाया जाएगा।
मैं इस काम ले सारे उन्हें लोगों का धन्यवाद करनी हाँ जिन्होंने इनू बनाने विच पैसा दिता ते जिन्हें मजूर ने अपना खून पसीना एक करके इनू सारिया। मैं हूँ सुलभ शौचालय ते एक कॉमन रूम बस्ती दे लोगों नू समर्पित करनी हाँ। मैं बड़ा चंगा दर्जी बन के दिखावांगा, गरीबा वास्ते सस्ते रेट रखांगा, ते जेड़े पैसे नहीं दे सकांगे, उना दा कम मुफ्त कर दियांगा। अम्मी अब्बा नू चिट्ठी लिखी सी, पर जवाब अजे तक नहीं आया, उना नू मेरी याद आंदी होएगी, मनी ऑर्डर जल्दी ही भेजांगा, मैनू अपना पिंड बड़ा ही याद आंदा है। भाई गुरमीत सिर जरा दर्द कर रहा है, थोड़ी चाह तो धर दे। ओहो भाई तेन पता है अज इधरों बहुत सारिया बसा ने निकलना है। अच्छा हाँ बड़ी भीड़ हो जानी है 11 बजे तो बाद, कोई मेला शेला लगे इधर। अपने मुंडिया नू रामू नू ते दूजे नू तैयार कर दियो। ओ मुंडे हो? हाँ जी। और मैं क्या आज डबल कमाई करनी है। तुसी बिल्कुल फिकर ना करो, साड़ी पूरी तैयारी है, पकौड़ियां दा समान भी तैयार है, ते रामू ते बल्लू दी जोड़ी भी तैयार है, ते नाले तुहाडी चाह भी तैयार है। हाँ गल सुनी। तू किताब पढ़ेंगी? ना। क्यों? दिल नहीं लगता, टाइम नहीं। दीदी ऐसे काम करना बहुत औखा है, बहुत गरीबी है। लोग निराशा बहुत है, थके हुए थे, बीमार लग गए। पर असी ना तो थकना है ना ही निराश होना है, मुश्किल तो आंदिया ही रहिंदिया ने, उस बस्ती विच भी सन ते इत्थे भी आनगियां, ए कोई नवी गल तो है नहीं। असी किसी ना किसी नूं तो राजी करांगे ही ना, किसी ना किसी दे दिल विच चाटी मारांगे धीरज और अपने पक्के इरादे और सबर नाल। आओ चलिए। अज तुसी वेख्या कि किस तरह कोठी वालियां ने हथियार सुट दिते। सच्ची हुण भांडे मांजना उन्हां लई बहुत ही मुश्किल सी। मजदूरां दी बस्ती विच सुलभ शौचालय वास्ते इट्टा ते दूजा समान आना शुरू हो गया सी। बस्ती वाले सरला दीदी नूं मन गए। मालकन ते सरला दीदी दे हत्थी सुलभ शौचालय दी नींव रखी गई। जदों मालकन ने इस उपलब्धि दा सेरा सरला दीदी दे सिर बन्या ते उन्होंने झट गया कि नहीं जी, ए सब ते पढ़ाई लिखाई दा नतीजा है जिसने सब नू नवा विश्वास दिता है। दिन रात कम होने लग पिया, सुलभ शौचालय तेजी नाल उसरन लग पिया, सारे गाने गांदे झूमदे हुए कम विच लग गए। पर राम सेवक कम करदे हुए डिग पिया। उधर प्लंबर प्रीतम नू बल्लू मिलिया जिसका मालिक उसनू बहुत मारदा सी। प्रीतम बल्लू नू शंभू ते कालू को लेके आया कम ते लान लई। कालू ते शंभू ने बल्लू दी गल रामू नाल कीती ते बल्लू दा कम बन गया, ते ओ वी रामू दे नाल करतार सिंह दे ढाबे ते कम करन लग पिया। सुलभ शौचालय दे नाल नाल एक सांझे कमरे दा निर्माण भी पूरा होया ते मालकन ने उस नू बस्ती वालियां नू समर्पित करदियां होया कहा कि ए सुलभ शौचालय एक तरह पैसे वालियां ते कम करन वालियां दी मिल वर्तन दी मिसाल है, जे सब थावां ते इसे तरह दी भावना आ जावे ते किन्ना चंगा होवे। रिजवान मन लगा के कपड़े सीन लग पिया, पर उस नू अपना पिंड अजे भी बड़ा याद आंदा सी। हालांकि करतार सिंह दी तबीयत खराब सी, फिर भी मेले विच डबल कमाई लई उसने बल्लू रामू ते गुरमीत नू पूरी तरह तैयार कर दिता। सरला दीदी साक्षरता मुहिम लई दूसरी बस्ती विच पहुंची। इस बस्ती की हालत भी बड़ी खराब सी, कोई पढ़ना नहीं चाहता सी, पर सरला दीदी हिम्मत हारन वाली नहीं सी। अगे की हुंदा है असी वेखांगे अगली कड़ी विच। अज असी मिलदे हाँ बिहार दी प्रोमिला देवी नूं। मैं साक्षरता अभियान में पढ़ी हूँ,
मैं 3 किताबें पढ़ी हूँ। अब मेरे को पढ़ने आ जाता है। पहले तो राशन लेने जाती थी और पैसा ज्यादा देती थी, चली जाती थी। मेरे आदमी जब डिप्टी से पूछने लगा कि कितना पैसा दे आई है, मैं तो बोली कि इतना दे आई। वो बोले कि तू तो इतना पैसा फालतू दे रखी है, तेरे को समझ में नहीं आता है। फिर मैंने बोला कि वहाँ पर पढ़ने लग गई तब सब कुछ जान गई। बस का भी नंबर पहले नहीं जानती थी कि कौन बस कहाँ जाएगी, लेकिन अब तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ। तो गुड़िया का फ्रॉक हर एक डिजाइन के यहाँ बनती है। अब हम ले जाते हैं, कम से कम एक दिन में 15 जन आराम से बना लेते हैं। कभी 50 रुपये का काम हो जाता है, कभी 90 रुपये का भी काम कर लेती हूँ एक दिन में। और अब अपने सहेलियों को भी सिखाती हूँ कि तुम भी पढ़ा करो, पढ़ने से हर ज्ञान होता है। आगे जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे तुम भी बढ़ पाओगे। Bye.